बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी ने भी बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर पर भी फैमिली टूल्स दिए गए हैं, जिनका यूज करके आप बच्चों को ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं। और ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्ट मैसेजेस, यानी प्रतिबंधित प्रत्यक्ष संदेश से बच्चा केवल उन लोगों से संदेश प्राप्त कर पाएगा जिन्हें वो फॉलो करते हैं या फिर जो उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। इसी तरीके से सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल, ये डिफॉल्ट रूप से सभी बच्चों के अकाउंट को कम संवेदनशील कंटेंट पर ही सेट रखता है, और जिन अकाउंट्स को आप फॉलो नहीं करते उनके सेंसिटिव कंटेंट से आप बचे रहते हैं। इसी तरह प्राइवेसी सेटिंग्स को भी समझने में अपने टीनेजर बच्चे की मदद करें। अकाउंट पब्लिक भी रख सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकता है। वो अपना मन बना सकते हैं और अपनी बात वो सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हैं जो उनके दोस्त हैं, अगर वो इसे प्राइवेट करते हैं। और हाँ, पेरेंट्स को मैं ये बात जरूर कहूंगी कि थोड़ा समय निकाल कर ये जानने की कोशिश करें कि आपके टीनेजर बच्चे किस तरह सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।